हाय फोक्स, इज जेनिफर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। मैं चेक कर रही थी अपनी ईयरिंग और एपिसोड शुरू हो गया। तो आपको तो पता है हमारी ट्राइबल सीरीज ऑन है और बैक टू बैक हमारे एपिसोड्स आ रहे हैं ट्राइबल ज्वेलरीज के ऊपर। बहुत सारी डेरो ज्वेलरीज मैं आपको दिखा चुकी हूँ और भी दिखाने वाली हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोल्ड ट्राइबल ज्वेलरीज है। जितने बोल्डेस्ट मेरे पास हो सकते थे मैं आपको उतनी बोल्ड ट्राइबल ज्वेलरीज दिखा रही हूँ, लेकिन इससे भी बोल्ड हमारी ट्राइब्स पहनती है। बहुत हैवी हैवी पहनती है। आपने देखा होगा राजस्थान में कच्छ की जो लेडीज है वो नाक में इतने बड़े बड़े पहनती है। फिर आपको पता है अफ्रीका में जो है कितने बड़े बड़े नेक के भी पहने जाते हैं, इतने बड़े बड़े लॉन्ग नेक हो जाते हैं उनके। फिर आपने देखे होंगे बहुत सारे मुंह के अलग अलग ज्वेलरीज होती है जो इतने बड़े बड़े गोल गोल पहनते हैं। फिर कान में इतने हैवी हैवी लमानीज जो पहनती है, बालों में इतने हैवी हैवी, वो बहुत ज़्यादा बोल्डेस्ट ज्वेलरीज होती है। वो उतनी बोल्ड ज्वेलरीज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्यूजन बोल्ड ज्वेलरीज दिखा रही हूँ जो कि हम अभी भी पहन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी बोल्ड है। तो वैसी ज्वेलरीज लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ और हो सकता है कि इनमें से कोई ज्वेलरीज आप भी जीत सकते हैं मेरे एपिसोड्स पे। ये मैं आपको बताऊंगी बाद में आने वाले एपिसोड्स में। एनीवेज, आज जो मैंने पहन रखा है, मैंने सोचा है गोवा में बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी, तो सारे बाल मैंने ले लिए ऊपर, क्योंकि आज मैं बैक टू बैक दो तीन एपिसोड शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी हो जाएगा और थोड़ा सा ट्राइबल डिफरेंट लुक हो जाएगा, और आप देख भी सकते हो कि मैंने बहुत अच्छे से फ्लावर्स लगाए हुए हैं। चलिए मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। मांग टीका जो मैंने पहन रखा है वो ट्राइबल इंस्पायर्ड कलरफुल मांग टीका है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और जो है रिंग मैंने पहन रखी है, अगेन ट्राइबल इंस्पायर्ड रिंग है, और ये जो रिंग है ये दिस कलर कॉम्बिनेशन का रिंग है। तो फिर और कान में जो मैंने पहन रखा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ग्लास कलेक्शन में है, ट्राइबल ग्लास कलेक्शन, आप देख सकते हो बहुत ही लॉन्ग है, और मुझे लॉन्ग और ब्रॉड चीज़ें बहुत पसंद है, आपको तो पता है। और मैंने कुर्ती पहन रखी है बहुत प्यारी सी, और जो है आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने इस तरह का जूड़ा बांध रखा है जिसपे मैंने रोजेज लगा रखे हैं, कि काफ़ी ट्राइबल ये यूज़ करती हैं, आपने देखे होंगे। ओके, अगर आपको अच्छे से दिख गया होगा तो। और बेल्ट मैंने पहन रखी है, अगेन कच्छ इंस्पायर्ड बेल्ट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टॉप है वाइट कलर का, तो मैंने बैंगल आज कुछ पहना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लॉन्ग स्लीव है, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा वर्क है, आप देख सकते हो। और जो लहंगा या पहना है मैंने, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल सा थोड़ा सा डार्किश गोल्डनिश मिक्स कलर फ्यूजन लहंगा है, और जिसके नीचे जो है वो बहुत ही ट्राइबल इंस्पायर्ड इस तरीके का ब्लॉक प्रिंट्स है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारी जो है स्कर्ट्स है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आने वाले एपिसोड्स में। और हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं ये एपिसोड, ये है बोल्ड ट्राइबल ज्वेलरीज। यस, लहंगों के बारे में मैं आपको बहुत सारी अच्छी सी स्टोरीज बताने वाली हूँ आने वाले एपिसोड्स में, कैसे लहंगा इंस्पायर्ड होते फ्रॉम 1500 टू मुगल एरा, फिर उसके बाद हाउ हम लोग अभी मॉडर्न में उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ जब भी मुझे कुछ याद आता है। लेकिन एक स्पेशल एपिसोड्स बनाऊंगी मैं ट्राइबल ज्वेलरीज पे, लहंगे पे, और बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताऊंगी, क्योंकि जो कुछ भी पहनती हूँ ना उसको पहनने से पहले थोड़ा बहुत मैं नॉलेज गैदर कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं कैसी हूँ, बट मैंने किसी में रिसर्च नहीं की, किसी में मैंने स्टडी नहीं की है, बस मैंने सुन सुन के पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश की कि हम क्या पहन रहे हैं और क्या खा रहे हैं और क्या किस टाइप की ज्वेलरीज हम पहन रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए, हम तभी तो पहनने का मजा आता है, तभी हम उनको बहुत ज़्यादा और रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, आर्टिसंस को हम ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं जब हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत से वो चीज़ें बनाई गई है। तो एनीवे, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। और यस, मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये जो मैंने साइड में लगा रखा है ये क्या है। ये जो है फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत सी कच्छ की पर्स है, बहुत ब्यूटीफुल, मेरी कच्छ फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वो चाहते हैं मैं आपको फिर से दिखाऊँ। इस तरीके से इसका बेल्ट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ आती है, कलर्स आते हैं, कितना ज़्यादा काम किया हुआ है। थोड़े से इसका जो इन्फ्लुएंस है अफगानी इन्फ्लुएंस भी है, मैं आपको अफगानी पर्स भी दिखाऊंगी, कितने ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरीके से इसका ओपनिंग है, बैक साइड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत लॉन्ग और ब्यूटीफुल लगता है, हैंड भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये सारी जो एक और एपिसोड मुझे बनाना पड़ेगा ये सारी आपको दिखाने के लिए, सारे पर्सेज, अफगानी पर्सेज, कच्छ पर्सेज, गुजराती, राजस्थानी की बात है, राजस्थानी, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बहुत सारी मेरे पास ज्वेलरीज है और ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो सकता है, तो अपनी कॉफ़ी या ड्रिंक लेके बैठिए, ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक, नॉट जूस भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं,
एनीवे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बोल्ड ज्वेलरी में इस तरह की कि आप हैवी नो लेयर्ड ज्वेलरी पहन सकते हो। दो लेयर हो गए, तीन लेयर हो गए, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम नहीं है हमें इतने यू नो एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे हिसाब से ये बोल्ड ज्वेलरीज में आती हैं ताकि ये देखिए, क्योंकि नॉर्मल हम वेयर में हम लोग इतना तीन तीन चार चार लेयर तो पहनते नहीं है, तो मैंने इसको बोल्ड ज्वेलरीज की कैटेगरी में डाल दिया है। ये देखिए कितनी हैवी हैवी है और इसको हम अच्छे से पहन सकते हैं बोल्ड ज्वेलरीज में। ओके ये देखिए पूरा का पूरा ब्लैक ज्वेलरी में है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ट्राइबल बोल्ड ज्वेलरीज मैं आज आपको दिखा रही हूँ, इसमें सब मिक्स है, लाइक ब्लैकिश में हो गया या ब्राउनिश हो गया या फैब्रिक हो गया, बहुत सारी बोल्ड ज्वेलरीज इस पे है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आज मैंने कोई ज्वेलरी पहन नहीं रखी क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखाने वाली हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरीज हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये देखिए, है ना। चलिए पहन ही लेती हूँ, पहन लिया है तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरीके की जो स्पाइडर इंस्पायर्ड है या फिर जो स्नेक इंस्पायर्ड है, इस तरह की ज्वेलरीज भी मैं गोल्ड ज्वेलरीज भी पहनती हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा तो नहीं पहनेंगे ना हिसाब से। ये देखिए कलर्ड है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है कलर। ये आपको मॉडर्न ज्वेलरीज में भी मिल जाएंगी, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये देखिए, कितना ज़्यादा बोल्ड है ये, है ना। लास्ट एपिसोड अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने ये वाला ये देखा था, देखिए इसमें अटक गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए इसको हटा दी। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत नेक पीस है, और ये जो नेक पीस है ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में पहन के दिखाया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये देखिए, है ना। कितना भी आप ज्वेलरीज को सुलझा लो फिर भी वो अटक ही जाता है। ये अफगानी इंस्पायर्ड बोल लुक में आता है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, फिर आपको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है। आई एम वेरी बैड एट द ज्वेलरीज, फिर उसको तोड़ तोड़ के निकालती हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए कि मैं तो उसको फिक्स कर देती हूँ स्क्रू से। ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरह बोल्ड ज्वेलरीज मैं आपको दिखा रही हूँ, अफगानी बोल्ड ज्वेलरी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली ज्वेलरी नेक पीस, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा। कुछ ज्वेलरीज आपने मेरे पिछले एपिसोड्स में भी देखी होगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पूरा कॉम्बिनेशन किया हुआ है मैंने गोल्ड ज्वेलरीज का। तो तीन ज्वेलरी अटक गई हैं तो मैं आपको दिखा, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, वेरी नाइस बंजारा ज्वेलरी। हम इतनी बुरी तरह से इनको अटका भी नहीं सकते, बट ये कैसे अटक जाती है अपने आप पता है। ये देखिए फ्लावर इंस्पायर्ड है ना, बहुत हैवी है इसलिए मैंने इनको बोल्ड में कर दिया। नेक्स्ट जो है कुछ फैब्रिक ज्वेलरी ले लेते हैं, मैं किसी कैटेगरी वाइज आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा सीन हो जाएगा, और इतना खूबसूरत लगता है ये देखिए, है ना। नेक्स्ट जो है इस तरह की भी बोल्ड ज्वेलरी आप पहन सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो ट्राइबल ज्वेलरी से, जैसे मैं हूँ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सब पहन लेती हूँ। और वैसे ही पता है गोवा में तो आप सब कुछ पहन सकते हो। ये देखिए कितना ज्यादा कलरफुल है, कितना ब्यूटीफुल है पीस। नाइस पीस, वेरी वेरी ट्राइबल, वेरी वेरी बोल्ड कलर, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नागालैंड इंस्पायर्ड ज्वेलरी, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आसामीज भी बहुत पहनते हैं। हमारी बंजारा ज्वेलरी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली ज्वेलरी। ओके अफगान, अफगान नेक पीस बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है। ये आपने मेरे दो तीन एपिसोड में देखे होंगे, क्योंकि क्योंकि ये लास्ट बार में अफगानी ज्वेलरीज में एक बार फिर आप उसको देखोगे। गोवा इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बहुत सारी इसमें से ज्वेलरी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, और ये आप आखिरी बार देखोगे मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसे संभाल के रखा था, ताकि मुझे पता था जिस दिन मैं गोल्ड ज्वेलरी की शूट कर रही होंगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। अफगान इंस्पायर्ड, ये भी अफगान इंस्पायर्ड बोल्ड ज्वेलरी दिखा रही हूँ आपको, ट्राइबल बोल्ड ज्वेलरी। ये बहुत इन है, ये आपको अभी भी ऑनलाइन पे मिल जाएंगी। सो ये रेप्लिका है, ये वाला जो है ये ओरिजिनल ट्राइबल नहीं है, लेकिन एक रेप्लिका है। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, डबल है, तो हमने इसको गोल्ड ज्वेलरी में शामिल कर दिया। ये वाला बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये अगेन अफगान ज्वेलरी से रिलेटेड है, मतलब इन्फ्लुएंस्ड है कह सकते हैं। ओरिजिनल अफगान ज्वेलरी नहीं है ये, बट ये जो है इस तरीके से रेप्लिका है, बट ये भी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। इस तरीके से ज्वेलरी अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप ज़रूर इसको इंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फैब्रिक ज्वेलरी बहुत इन है, ये देखिए आई लव दिस काइंड ऑफ ब्लैक थ्रेड ज्वेलरीज। ये देखिए अफगान ट्राइब ओरिजिनल है, ये वाली ओरिजिनल पीस आपको ना देखकर पता, हाथ में ही लेके पता चल जाएगा, माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल, और आपको पता चल जाएगा ये कितना बोल्ड है ये देखिए, और कितना ओरिजिनल है कितना नहीं। जिस जब आप ज्वेलरी में बहुत डीप जाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक नहीं कह सकते, बट मॉडर्न कह सकते हो कि हल्के फुल्के बनाने के लिए, ताकि आप अफोर्ड, देखो हर जो ओरिजिनल विंटेज पीसेज होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हर विंटेज पीस तो हम नहीं ले सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी हमारे पास ज्वेलरी की। तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत पीस है, इस तरीके से लॉन्ग में है ये, इस तरह ब्यूटिफुल पीस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है, बहुत ज़्यादा इसमें झुमकीज लगी हुई हैं छोटी छोटी, और नेक्स्ट पीस जो है ओरिजिनल विंटेज पीस है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा ट्राइबल है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। ये पीस जो है वो मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया हुआ है, वो देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। कलर्स देखिए इसमें बहुत डीप कलर है, दिख रहे हैं आपको कलर्स, ये देखिए बहुत डीप कलर्स है इसके अंदर। बहुत डीप कलर्स,
बहुत ज्यादा खूबसूरत पीस है। ओके नेक्स्ट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला पीस। और ये देखिए इतना ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही बंजारा पीस है, बहुत ही ज्यादा ट्राइबल पीस है और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इस पीस पर। और ये देखिए मिरर वर्क है, सब कुछ है इसमें, पहनने के बाद ये बहुत मजा आता है। ओके निकाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस आ रहे हैं, मैं कैसे पहनूंगी फिर। ओके उफ, निकालना एक प्रॉब्लम है। ओके निकल गया। एनीवेज चलिए नेक्स्ट पीस जो है, अगेन बहुत ही कॉमन पीस है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। और ये पीस आपको अभी भी मिल सकता है ऑनलाइन पे, या अगर आप दिल्ली हाट जाओगे या जनपद मार्केट जाओगे या गुजराती लेन जाओगे, भर भर के आपको ऐसे पीसेस मिल जाएंगे। विंटेज पीस मिलना ही बहुत मुश्किल है। जैसे ये पीस जो है, ये विंटेज ट्राइबल ओरिजिनल पीस है, बहुत बोल्ड पीस है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। पेंडेंट, इस तरीके का बोल्ड पेंडेंट भी आप पहन सकते हो सिंपल। नेक्स्ट है, चलिए अब थोड़े से हम और फैब्रिक ज्वेलरी की तरफ आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है ये पीस, बहुत बार आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, मुझे बहुत पसंद है ये पीस, बहुत ही ट्राइबल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राइबल फील है इसका, है ना। नेक्स्ट जो है अगेन ये पीस, ये चार पांच जो पीस है वो मैं कहीं नहीं दे रही हूँ, किसी को भी नहीं दे रही हूँ, ये मेरे फेवरेट पीसेज है, बहुत बोल्ड पीस है, अगर आप इसको पहनोगे ना नेक पीस बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है वेरी वेरी नाइस पीस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है, ये देखिए पहन, बहुत अच्छा काम किया हुआ है इस पर। और ये देखिए इसमें मेरे पास दो तीन कलर हैं जो ऑलरेडी चले गए हैं, लोगों ने ले लिया है उन्हें। ओके ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल पीस है कच्छ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ा मज़ा आता है इसको पहन के ना, चका जाए, आपने मेरे काफ़ी एड्स में देखा होगा मैंने इसको पहना हुआ है। नेक्स्ट है अगेन बहुत ही प्यारा पीस है, अफगान पीस है, इसके नीचे आप कोई भी पेंडेंट लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पीस है देखिए, और ये ओरिजिनल विंटेज अफगान पीस है, तो यू नो देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत। चलिए इसे हम थोड़ा पहन लेते हैं। मैं पहन के दिखाती हूँ, चाहे ये हमने पहले वाला लॉकेट पहना हुआ है, तो आप खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा खूबसूरत पीस ये लग रहा है ना। ओके एनीवेज तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पीस है ये मैंने ओरिजिनल ट्राइब कलेक्शन में से लिया हुआ है, मतलब उनसे ही लिया हुआ है मैंने, फ्ली मार्केट लगा था जो कि आर्टिसंस के लिए था, ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स के जो आर्टिसंस आए हुए थे उनसे लिया है मैंने, बहुत ही बंजारा पीस है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद। नेक्स्ट पीस जो है, जब मैंने ये पीस लिया था ना मेरी मॉम कह रही थी ये कौन सा पीस है, ये किस तरीके की ज्वेलरी है, लेकिन पहनने के बाद उनको पता चला कि कितना खूबसूरत लगता है ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है और पहनने के रियल, क्योंकि देखिए मैं आपको आज दिखा रही हूँ बोल्ड ज्वेलरीज, जो ट्राइबल बोल्ड ज्वेलरीज है वो दिखा रही हूँ, तो ये ऐसे पीसेस तो बनते ही है ना, अगर मैं ऐसे पीसेस ना दिखाऊं तो फिर ये बोल्ड कहाँ से हो गई आपकी बात। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार, अब मेरी मम्मी की तरह आईब्रोज ऐसे ऊपर मत करो, ये कौन सा पीस है। एनीवेज ये देखिए एक और पीस आ गया जो आप पहन सकते हो, देखिए आप अगर आप राजस्थान जाओगे तो उन्होंने ऊंटों पर भी ऐसा लगाया होता है, कपड़ों पे भी लगाया होता है पीछे, यू नो इस तरीके से ये लोग यहाँ घाघरे पर भी इस तरीके से पहनते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे पहनते हैं, पीछे जो डेकोरेशन में भी पहनते हैं, तो जब आप वहाँ जाते हो ना उस टाइप की शॉपिंग आप करते हो, लेकिन
मुझे बहुत पसंद है ये, मैं इनको काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, पर्स के साइड में लगाती हूँ, जीन्स के साइड में इस तरह से टक कर रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है बिलीव में। लेकिन मेरी मॉम की आईब्रोज ऐसी, ये क्या है? एनीवेज ये अगेन आसामी या नेपाली टाइप के ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरीके से, या भूटान में, तिब्बत में, बर्मा में, जो अभी यू नो म्यांमार हो गया, ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मुझे ये पहनते हुए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलिए थोड़े से मैं आपको गोल्ड भी दिखा देती हूँ, मतलब गोल्ड बोल्ड पीसेस, ये देखिए इससे भी ज़्यादा गोल्ड बोल्ड होंगे, बट मेरे पास यही है इसलिए मैं आपको अपने पीसेस दिखा रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ही कॉमन है और ये मुझे इतना पसंद नहीं है, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ट्राइबल पीस। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप रेप्लिका में भी लेते हो, अगर आप ओरिजिनल विंटेज आपको नहीं भी मिलता है लेकिन आपको ट्राइबल पहनने का मन भी कर रहा है, तो भी आप थोड़े हैवी लीजिए, थोड़े अच्छे लीजिए यू नो, ताकि आप मतलब उसको पहन तो सको, अदरवाइज ऐसे टूट फूट जाएंगे, क्या फायदा पहन के ना। ये देखिए और सबसे बोल्ड जो मेरे पास बोल्ड में है वो ये पीस है ट्राइबल का, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। ये देखिए इस तरीके से ये ब्लैक 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 पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और इस एपिसोड का लास्ट लास्ट जो है वो सबसे बोल्डेस्ट है, वो है ये, जिसने मेरी मम्मी के आईब्रोज को और रेज कर दिया था, कितना ब्यूटीफुल पीस है। देखिए मेरी मॉम ने हसलीज तो बहुत देखी है, लेकिन इस तरह की इतनी बोल्ड हसली, इसका जो पहनने का इन्होंने जो भेजा है ना मुझे, वो यहाँ पहनने का यू नो, ये इस तरह से पहना जाता है, और ये जो हसली है वो यहाँ हसली की तरह यहाँ आ जाता है, मतलब आप समझ रहे हो कितना बोल्ड है। मतलब अगर आप यहाँ पहनोगे तो नॉर्मल हसली सब लोग पहनते हैं, सबको पता है, बट अगर आप यहाँ पहनोगे, जैसे कि चलिए मैं पहन लेती हूँ इस तरीके से, तो देख रहे हो हसली कहाँ पर आया है, यहाँ, तो जो देखेगा वो कहेगा ये क्या पहन रखा है, ये कौन सा फैशन है, मतलब आपने जो यहाँ पहनना तो यहाँ पहन रखा है, लेकिन ये है फ्यूजन फैशन जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो हम लोग यू नो इन्जॉय कर रहे हैं, तो ये है सबसे बोल्डेस्ट फैशन अब तक का अभी यहाँ पर मेरे चैनल पे। तो आई होप आपको मेरा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत फन हुआ होगा, और आप ये एपिसोड भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो सी मी अगेन, दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बोल बोल के मैं थक गई हूँ, और आप जो है कीजिए कीजिए, ठीक है, दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, नमस्ते, बाय।